इसके पहले हम लोग एडिशन बाय काउंटिंग और एडिशन बाय नंबर फिगर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मैथ में एडिशन ऑफ थ्री नंबर पढ़ेंगे। तीन एडिशन ऑफ थ्री नंबर का मतलब होता है तीन अंकों का जोड़। आज हम लोग तीन अंकों के जोड़ के बारे में सीखेंगे। एग्जाम्पल पहला देखिए, 4 + 2 + 3 तीन अंक दिया हुआ है। इस तीनों को कैसे जोड़ेंगे हम इसको देखेंगे। ये 4 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है, ये दोनों को मिला करके कितना होगा 6 प्लस 3 प्लस यहाँ 3 लिख देंगे। अब दोनों को हम जोड़कर देखेंगे क्या कितना होगा, तो 6 और फिर जोड़ देंगे 3, 6 7 8 9 यहाँ हम लिखेंगे बराबर का चिन्ह देकर के 9 और। और दूसरा माध्यम है सीढ़ी के द्वारा, इसे कितना दिया हुआ है आप देख रहे हैं 4 दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे 4 1 2 3 4 लिख दिए प्लस 2। अब यहाँ 2 लाइन खींचेंगे 1 2 यहाँ लिखे कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, यहाँ क्या लिखेंगे 1 2 3। अब तीनों को मिला करके यानी तीनों एक साथ हम गिनेंगे कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर कितना हो जाएगा 9। इस तरह से हम 9 लिखेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, 1 + 6 + 3 अभी तीन को तो जोड़ेंगे हम, तो पहले दोनों संख्या जोड़ेंगे, 2 है 1 + 6 कितना हुआ 1 + 6 = 7 इसके माध्यम से बताया गया है 7 और फिर जोड़ के चिन्ह देकर के 3 उतार देंगे, एरो के माध्यम से बताया गया है 3 यहाँ है। अब 7 + 3 कितना होता है 7 के बाद गिनेंगे 8 9 10 या फिर 3 अंकों के द्वारा गिन सकते हैं 7 8 9 10 यहाँ हम 10 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए फिर सीढ़ी के माध्यम से या लाइन खींच करके हम इसको बता रहे हैं, देखिए कितना है 1 है, 1 लाइन खींच दी जोड़ 6 यहाँ कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, 6 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 अब कितना नीचे दिया हुआ है प्लस 3 अब इसको 3 लिखेंगे 1 2 3 अब पूरा काउंट करेंगे कितना है ये गिनेंगे हम, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ 10 होंगे 10 लिख देंगे। इसके माध्यम से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ कुछ आपको होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क का मतलब तो आप समझते हैं ये घर पर काम करना है, घर पर बनाना है और बनाने के बाद इसे स्कूल में दिखाना है